हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अभिषेक बिजनेस ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने बनारस की गलियों में एक बार फिर, और मैं दिखाना चाहता हूँ थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज क्या दिखाने वाले हैं आपको। और यहाँ पर दसों में घाट के पास ही एक लेजर शो चलता है गाइस, हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। आपको घर बैठे मैं लेजर शो दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे गंगा कैसे अवतरण होती है उसके बारे में सारा चीज़ है। बहुत ही इंफॉर्मेशिक इंटरेस्टिंग वीडियो ये बनने वाला है, और इसके साथ से जो आपको जानकारी चाहिए आपको उसमें लेजर शो के द्वारा, और उसमें जो जो भी टॉपिक कल्चर्स के बारे में दिया गया है तो वो सब सारे चीज़ के अंदर है गाइस यहाँ पर। और उसी चीज़ को मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और कभी आप लोग यहाँ के लोकल हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, अगर बाहर से हैं तो भी एक बार आके विज़िट करिएगा। आइए, हम लोग लेट नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं अंदर वहाँ पे, क्योंकि अंदर जाने के लिए भी ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है वहाँ जाने के बाद, और मैंने तो ऑनलाइन अब जाके लूँगा और अंदर चल के आपको शो दिखाता हूँ, और फिर मिलता हूँ बाद में आपसे। आभासी अनुभूति संग्रहालय गाइस, यहाँ पर अंदर घूमने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और अंदर एक मान सिंह का किला है, और वो ऊपर गाइस वो आप देख सकते हैं वहाँ टिकट घर है। सो गाइस, यहाँ पे मान मंदिर घाट के जस्ट बगल में ही ऊपर और एग्जीबिशंस भी लगे हुए हैं, आप टिकट विकट देख सकते हैं। यहाँ से टिकट आप ऑफलाइन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लिए हुए हैं, और ऑनलाइन लेकर बस जस्ट अंदर चल रहे हैं, दिखाते हैं हम अंदर के व्यूज आपको। उस समय केवल पूर्ण शब्द निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में गुजर करते और नदी में झील तो गाइस, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के थ्रू ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके 25 रुपये चार्ज है। सो गाइस, यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू आपको ये दर्शाया जा रहा है, ये रेत है और गंगा घाट का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे गाइस आपको, जिसकी 25 रुपये चार्ज हमने पे किया है गाइस। तो ये अंदर इस टाइप के प्रोजेक्टर से चल के यहाँ के व्यूज और यहाँ के जो इन्फॉर्मेशन है कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए गाइस, हम लोग चलते हैं और आगे चलते हैं अपना यहाँ पे। तो गाइस, अपने बनारस की जो विशेषताएं हैं पान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये 3D लुक में गाइस चल रहा है यहाँ पर। सो गाइस, जैसे जैसे अंदर बढ़ेंगे हम लोग तो उस तरह के प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ की जो गलियाँ हैं सारे चीज़ें टेम्पल्स हैं उस चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। और 10-10 कदम पे अगर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे उस टाइप के यहाँ के कल्चर और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए प्रोजेक्टर चल रहा है यहाँ पर आपको, और ये तो लुक वाइज आपको यहाँ पे बुक्स दिखेगी, बट ये भी आपका प्रोजेक्टर, ये भी आपका प्रोजेक्टर के थ्रू चल रहा है यहाँ पर आपको। बस ये लुक वाइज एकदम पेपर्स बुक्स चल रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हर जगह ये प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और इनके सारे हिस्ट्री कल्चर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सो गाइस, यहाँ पुराने टाइम में जो भी आपका ये नीडल्स होते थे और रेशम फ्रिजरी होते थे, जो वो चीज़ें हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम से कपड़े बुने जाते थे उनके लिए यहाँ पे दिया गया था। और वाइस जैसे यहाँ पे आपका जो बनारसी कल्चर से बनारसी पान और उसी तरह जैसे है आपका बनारसी साड़ी जरी का काम होता है, उस चीज़ को भी यहाँ पे दर्शाया गया है यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पे हिस्टोरिकल मेमोरीज यहाँ पे सारे दिए गए हैं, और इसी के साथ साथ इनके वास्तुम जो भी है संगीत से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सितार हो गए, तबले हो गए, हारमोनियम्स हो गए, वो सब सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और
लकी भैया, ये फ्लूट्स आप दे सकते हैं, फ्लूट्स भी यहाँ पे होंगे आपके, और इस सॉन्ग्स के आप इंजॉयमेंट भी ले सकते हैं वॉकमैन के थ्रू। तो गाइस आइए हम लोग ट्राई करते हैं वॉकमैन लगाकर कैसे इसके साउंड है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं और इधर भी अपने सुनने जा रहा है। हम लोग इसको यहाँ रख देते हैं और बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे गाइस यहाँ पर, और उसी के साथ हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सुनने के बाद और फिर हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ पे भगवान गणेश की आपको जो वुड्स के बने हुए हैं गाइस, ये वुड्स के बने हुए हैं और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और एक एलिफेंट है जो कि मार्बल के पत्थर से बनाया गया है, और यहाँ के खान पान को भी देखा है काशी सिल्क में आपको देखेंगे, गुलामी मानिककारी और ये खान पान के लिए है गाइस, और ये भी धातु के बने हुए हैं, पीतल्स के बने हुए हैं गाइस, और ये साथ में माँ गंगा के भी प्रतिमा यहाँ देख सकते हैं, छोटी सी मूर्ति है बहुत प्यारा, और ये छोटा सा पिकॉक इसके अंदर जो आकृति, ये पीतल्स के बने हुए हैं, जो भी कलरफुल दिए गए हैं, ये भी बहुत अपने आप में ऑसम लग रहा है। सुबह इस मेरे पीछे एसी भी लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग बहुत अच्छा प्यारा है, और जो कि बाहर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और अंदर उसकी वजह से एसी हर एक जगह छोटे छोटे रूम में सारे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है आप देख सकते हैं। सो गाइस इस हॉल से होते हुए फिर हम लोग अंदर चलेंगे, और अंदर आते हुए आपको बहुत ही प्यारा एक नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि एकदम कैंडल डिनर जैसा फील आता है, और अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो झूमर लगे हुए हैं सारे के सारे, इस पूरी रूम अंधेरे है, और अंधेरे रूम में आपको 3D लुक में आपको ये बोन फायर दिखेगा, और इस पूरी बोन फायर में आपको ये 3D लुक में बहुत रियलिटी आपको दिखने वाला है, चारों साइड में सर्किल बेस है और बोन फायर जो लगा हुआ है, और अंदर की जो कूलिंग टेम्परेचर है वो भी अपने आप में एक अद्भुत है और बहुत ही सुखद आनंद। और यहाँ छोटे छोटे टेबल्स भी ऐसे लगे हुए हैं, चेयर्स लगे हुए हैं, जो कि आप अंदर आराम से उसको बैठ के फील ले सकते हैं। अंदर हम लोग एक के बाद एक अंदर जाने के लिए एक रास्ता आपको मिलता रहेगा जाने के लिए, और एक एक संस्कृति के बारे में जानने के लिए आपको इसी तरह मिलता रहेगा। यहाँ देख सकते हैं बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, काशी और गया, पुरी, ये पूरी पूरी तीर्थ यात्रा जो है अपने इसके साथ हम लोग ये बाहर निकलेंगे। बाहर अब हम लोग आ गए और ये ओपन हॉल है, और पूरी की पूरी यहाँ पे ओपन गैलरी टाइप का दिया गया है, और सब गाइस यहाँ से एग्जिट्स के लिए है बाहर जाने का मार्ग होगा, बट हम लोग अभी चलते हैं अंदर ही चलते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और डिफरेंस बता दूँ कि जो भी यहाँ पे आपके म्यूजिक से रिलेटेड सारे चीज़ें लगे हुए हैं, जो भी आप देख रहे हैं ये भी लगे हुए हैं ना, जो भी गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तबला, ढोलक, सितार, गिटार जो भी हैं गाइस, ये एक टच स्क्रीन है, अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँगा तो इसमें से उस टाइप की साउंड आएगी, बट हाँ इस समय नहीं चल रही है वो, क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से ये चीज़ आपकी डिस्टर्बेंस हो गई है, अब ये काम नहीं कर रहा है, नहीं तो कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। इन इंस्ट्रूमेंट को आप हल्का सा टच करेंगे तो आपको इस टाइप का, कब जल गया था ये, कब से जला हुआ है? सो गाइस दो तीन दिन से जला हुआ, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता इसको। सो गाइस रामलीला चल रहा है यहाँ पे, और जो कठपुतली रामलीला होता था, सो गाइस बहुत ही प्यारा चल रहा है यहाँ भी, आप देख सकते हैं। सो गाइस यहीं पे वो प्रोग्राम चालू होने जा रहा है, मैं आपको यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसको, और सारे लोग यहाँ पे आप देखेंगे बैठ चुके हैं, और जो लेजर शो यहाँ चलने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे प्यारी व्यू आने वाली है आपके लिए। सारे संसार को जीतने के लिए
किंतु आपको ये उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं कर्मों की ज्योति के लाभ सकता, मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे लोगों की युवाग्र से हस्त लोगों का आसान नहीं होगा। तर्पण गंगा जल केवल गंगा जल ही करेगा वो तपने जो हस्त हुए देश बंधन। गंगा गंगा किसका नाम है ऋषि? स्वर्ग की संता गंगा विष्णु के चरणों से पहला ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पहला ब्रह्मा की पुत्री, मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। गांधी था राजा बलि पर करता था लंब, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु के दयालु रूप वामन अंगुलता कोना बनकर पहुंचे जहां था भूमि। सारे दरबारी पौनी ब्राह्मण बने हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल तीन पग भूमि मांगे। जब पौनी ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे उसने जान लिया है भगवान। मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए
बेटी गंगा जाने। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरती पर कि वो भगवान श्री शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके लिंग को अपनी जटा में थाम ले। मनाने के लिए श्री शंकर का जाप शुरू कर दिया। शो चल रहा था, मैंने आपको दिखाया। और कभी भी आपको बनारस आना हो तो कभी भी आना हो तो दशाश्वमेध घाट के पास ही ये चलता है। आप किसी से पूछ के इस शो को आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।